name is Surbi and I'm from Puran, Murti Global School, Department of Mathematics. So today we'll be doing class 5th maths and chapter is multiplication and division. And we'll be doing exercise 3 because we have earlier covered exercise 1 and exercise 2. So let's start. First question of it up, divide and check your answer. Divide. Question is of divide and verification. And verify. Kaise karoge? First part, very first. 162097 divided by 76. Ab yahan pe dhyan do. Do cheeze dhyan dene mein. Isse to aapko pata hoga but main kya explain kar rahi hu. 76 aap bahar likhoge aur andar kya likhoge? 162097. अब हम डिवाइड कैसे करते हैं? 76 पे अब आप यहाँ पे पेयरिंग करो अगर तो 16 का पेयर तो ले ही सकते हो, ये पेयर नहीं ले सकते हो क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है, तो हम 162 को कंसीडर करते हैं। अब 162 देखो, 76 टू सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 76 टू सा 612 एक 1 नंबर 15 152 तो आपका 2 पे आ गया 152। उसके बाद यहाँ से एक कैरी करो, ये 100 हो गया क्यों? क्योंकि 10 छोटा था और हमारे पास ऑलरेडी पीछे डिजिट्स हैं, तो 76 टू जा 152 है, तो 76 वन जा 76 लिखो गया है यहाँ पे, कितना हुआ? 10 से 6 के 4, 9 से 7 के 3, और उसके बाद 9 से 7 के 2, 10 में से दिखा दो 2, उसके बाद अब 24 भी 76 से छोटा है, आपके पास क्या है? 9, अब आपके पास है 249 के लिए आप देखो 74 जा 28 होता है, तो वो नंबर बड़ा हो जाता है, तो 7 36 से तो 3 करो 60 जाएगी 721 और 122 228 ये 3 जा 228 9 से 8 गए 1 2 में से 2 गए 2 2 में से 2 गए 0 2 1 और उसके बाद यहाँ से उतारो 7। अब 270 लाया, अब इससे तो ये नंबर भी बड़ा 3 पे, तो ये कहीं 2 पे जाएगा 152, 7 में से 2 गए 5,
नहीं है, इक्वेशन बड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग। थोड़ा छोटा है, थोड़ा ज़ूम भी दिखे। 7, 9, 9, 4, 35। ऑफ कोर्स 3 डिजिट्स है, तो तुमसे 3 डिजिट्स चाहिए यहाँ पे। 435 टू सा 800 समथिंग हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 मिल गया। 435 752 एक में से 3 है, 5 6 में बोल दे 2। अब 252 435 से छोटा है, 2 कैरी कर लिया। अब 6 4 जा 24, तो एक बार 435 4 जा लग गया। अच्छा 3 में ही आएगा, 453 5 और 20 4 3 12 13 14 कैरी कर 4 4 जा 6 6 पे जा 4 6 में जा 6 पे कर रहा था। 5 से 30 6 से 18 19 20 21 कैरी 2 26 बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 5 पे आएगी, 4 पे तो ज़्यादा छोटा आ रहा है। 5 5 से 25 5 15 16 17 18 19 कैरी 1 5 पर 21 21 2 1 9 5 कितने पे है 5। अब इसे करो मैनेज, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 0 गया 0 गया। उसके बाद आपने 8 को कैरी किया, 3 2 7 8, 6 4 24, 7 4 28, 8 4 32, 8 पे जाएगा नहीं क्योंकि नंबर बड़ा हो गया। तो 435 7 35 83, 7 3 21 22 23 24, कैरी 2 7 28 9 30, 3 0 4 5। Question number two. Question number two. Question number two. The cost of 216 shirts is 335.
जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उसी पे आते हैं एक्सरसाइज के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ 216 शेयर्स इज व्हाट रुपीज 335,232. सो क्या करें द कॉस्ट ऑफ वन शेयर कैसे यूनिटरी मेथड लिखा हो गया. 216 शेयर्स की अगर इतनी कॉस्ट है तो आपकी एक शेयर की कॉस्ट आ जाएगी डायरेक्टली डिवाइड करना. डिवाइड करो 216 को बाहर 335,232 को अंदर. अब यहाँ पे ये कॉमा कंसीडर मत करो, जस्ट डोंट कंसीडर करो. 216 है, 3 डिजिट तो लेनी ही लेंगे, उसके बाद 2 से तो 4 हो जाता, तो 216 आ जाएगा. 9 2 में से बन जाएगा, प्रीवियस 2 में 1. ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, कैरी 2 क्योंकि 119 है स्मॉलर देन 216. 216 से अब देखो 8 2 से 16 7 2 से 14 6 से 12 5 से 10 8 से 12 5 से 13 5 8 1080 5 क्या है 1080. अब 112 आया, आपने 3 को कैरी किया. अब 1123 और 1192 स्प्लिट सही है, 6 पे करेंगे तो 12 पे चला जाएगा नंबर, तो आप फिर से 5 पे कर सकते 1080. 12 में से 8 है 4 1 I
अदर नंबर निकालना है, यहाँ पे लिखो लेट अदर नंबर बी एक्स, आपको एक्स निकालना है और वन नंबर दिया हुआ आपको 552, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लाई में है, वहाँ जब भी डिवाइड हो जाएगी तो आप करोगे एक्स इक्वल्स टू 269928 डिवाइडेड बाय 552, क्लियर। उसके बाद आप डिवाइड कर दो 552 से, अभी मैंने आपको कराया 269928 552, और 552 से 269 छोटा है तो 3 से ज़्यादा डिजिट्स देखो आप, 5 to 10, 5 to 20, 5 to 25, तो 552 में 5 पे देखने की कोशिश करो, 5 to 10, 25 to 26, 5 to 25 to 26 to 27, 2 से 6 ही बार है, नंबर बड़ा हो गया, इसका मतलब 552 4s है, 4 to 8, 5, 4 to 20, 20 और 20, 2 to 0, 8 and 4, 9 to 8 is 1, 9 to 9, 6 to 4, 491, 4912, नेक्स्ट नंबर आ गया आपके पास, क्योंकि 491 भी छोटा है, अब 552 से देखो, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 9 to 18, 5 9s are 45 and 46, 45 41 49, 4 9 6 8 आ रहा है, नंबर बड़ा हो गया इसका मतलब आएगा 8 पे, कैलकुलेटेड ऑफ 8, 5 52 8 16, 40 41 40 44, 4 4 1 6, 10 6 6, 10 7 10, 9 8 में से कौन गए 4 और यहाँ 0, 4 9 6 और आपके पास 8 है, 4 9 6 8, एज इट इज आ रहा है 10 पे, 9 6 कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारा आंसर 489, सो द अदर नंबर इज, सो x इज इक्वल टू 489, क्लियर। Let's move on to the next question. A factory manufactured this much clips in 21 minutes. How many clips are manufactured in one day? इस question का मैं आपको cross के बावजूद divide आप खुद करो। Division की जो भी solution था वो आप खुद करोगे, मैं आपको सिर्फ cross बताऊंगी। 20 clips manufactured. Clips manufactured. इन 21 बीच कितनी है 9 36 243, इतने क्लिप्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, दिस इज क्लिप्स नॉट चिप्स, सो क्लिप्स मैन्युफैक्चर इन 21 बीच इतनी है, तो हाउ मेनी क्लिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, आपको निकालना है क्लिप्स मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, तो वन वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, तो 21 वीक्स में कितने डेज होंगे 21 into 7, यानी कि 80, सॉरी 7 into 7 147 डेज, तो आपको एक्चुअली दिया हुआ है 21 वीक्स में, यानी कि 147 डेज, क्या आएगा 147 में अगर इतने हैं तो वन डे में कितने होंगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस आई एम होल्डिंग ऑन टू यू, आप डिवाइड करके आंसर खुद क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 125 कलर टीवीज इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन कलर टीवी सेट, सेम है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और एक नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम था, ऐसे ही होगा। 7, 526 बुक्स कैन बी पैक्ड इन ईच कार्डबोर्ड बॉक्स, हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक दिस मच ऑफ बुक्स, वैसे तो ये क्वेश्चन भी सेम है बट थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको इसमें बॉक्सेस निकालना है, सो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 1 बॉक्स कैन पैक कैन कंटेन, 1 बॉक्स कैन कंटेन हाउ मेनी बुक्स 526 बुक्स, ओके, सो हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक 107830 बुक्स, 107830 बुक्स के लिए
ये 526 है एक बॉक्स में, तो इतनी 1078, तो इतनी कितने बॉक्स में? ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक ही टाइप का कमेंट दिया हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, यही देखना है। इस वजह से हम यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऐसे करेंगे कि 526 बुक्स कैन बी पैक्ड इन वन बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा 108 107 830 बुक्स कैन बी पैक्ड इन। अब 526 बुक्स के लिए एक है, तो 107 830 बुक्स के लिए कितना? सेम बात है, वन नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी? फॉर्म तो यही हो जाएगी जो हमारी पहले आई, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट का फर्क है, स्टेटमेंट को समझना है। अब आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, या डिवाइड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बाय द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड चेक योर आंसर। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 9999999, यही होता। कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर 9999 नहीं होता, उसके बाद किससे डिवाइड होता है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99। बहुत इजी है सॉल्व करना, कैसे? सेम डिजिट सर, 99 बन जा 99, उसके बाद अब क्या आएगा? आप 9 को कैरी करोगे क्योंकि आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं है। अब यहाँ पे ये नंबर छोटा है, और जब आप ऊपर से एक नंबर कैरी कर लो और उसके बाद भी वो नंबर इससे डिविजिबल ना हो, इससे छोटा हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जीरो लगा। ठीक है, अब आपने एक और नंबर लगाया, आप वन पे चला जाएगा, चला जाएगा ना, उसके बाद जीरो हो गया। अब आपने 9 उतारा, फिर से जीरो आ गया, फिर आपने एक और 9 उतारा, अभी चला गया, उसके बाद आपने एक और 9 उतारा, उसके बाद क्या आया? जीरो, क्योंकि नहीं जा रहा। उसके बाद आपने क्या किया? बॉम्ब लगा दिया, अब यहाँ आ गया जीरो, अभी भी नहीं जा रहा क्योंकि 90 छोटा है, तो आपने यहाँ पे एक और जीरो लगा दिया। अब जाएगा 99 की टेबल में, देखो कहाँ पे जाएगा 99 के आंसर 990, मतलब 99 नाइन जब 891, यहाँ पे आएगा 891, और फिर आएगा 10 - 9 - 9 = 0, हाँ 8 - 8 = 0, फिर से 9 और 8 सब चलता ही 9, और फिर से 99 आएगा, फिर 9 आएगा। अब ये सही है या नहीं है ये चेक करने की वेरिफिकेशन क्या है? वेरीफाई कैसे करते हो? मल्टीप्लाई करो 101010.9 को 99 से मल्टीप्लाई करो। इसको करने का एक ईजी तरीका है कि आप इसके डेसिमल हटाओ, यहाँ पे 9 करो, 100 आ गया, दो डेसिमल पॉइंट्स थे,
लिए वही नंबर आएगा, पॉइंट लगा दो, पॉइंट कितने से पहले आएगा, दो से पहले। अब आपका ये फिर से सेवन डिजिट का नंबर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन होता है क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, सो अप्रोक्सीमेशन होता है हमेशा डेसिमल में, कभी भी चेक आंसर। अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो पाता तो वो डेसिमल थोड़ी होता, क्लियर। तो आपका वो दो डिजिट नंबर समथिंग लाइक सॉरी डिविजन का आंसर समथिंग लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनजीओ प्लांटेड दिस मच प्लांट्स इन 46 डेज, हाउ मेनी प्लांट्स विल द प्लांटिंग ईच डे। सिंपल डिवाइड, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी इजी, इसका पार्ट बी देख एक बार। इट्स वेरी इजी, 7540 डिवाइडेड बाय 87450, व्हाट विल बी द आंसर? 1, यस, इट्स वेरी इजी। लाइक यू हैव डी पार्ट डिवाइडेड बाय 35 = 0। व्हाट्स डिवाइडेड बाय? आई सेड व्हेन एनी नंबर विल बी डिवाइडेड will divide 0, it will fetch a 0. So the answer will be 0. Clear? Now question number 2. Find a number which when divided by 35 gives 22 as the question and 14 as the remainder. अब इस question में सबसे पहले आप ये लिखो कि आपको क्या बोला हुआ है, question क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है 22, रिमाइंडर क्या बोला? रिमाइंडर बोला है 14, रिमाइंडर बोला है 14 और रिमाइंडर बोला है 14 और आपको ये डिवाइजर बोला,
2 2 4 हो जाएगा, इसका मतलब 1 भी जाएगा क्या? 231 आया, 8 6 3 3 138 ओके। उसके बाद मतलब ये छोटा है, 6 आपने कैरी फॉरवर्ड किया है। उसके बाद 6 2 12 सो 231 6 से करके देखिए 18 कैरी वंस की 12 131386 एग्जैक्टली चला गया। तो x इक्वल्स टू 16, इसका मतलब जो आपका डिवाइजर है वो 16 है। इसको वेरीफाई सेम वे से कर सकते हो आप, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन वेरीफाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब आपको ये एक्चुअल डिवीजन जो आप अभी तक करते आए हो ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्चुअल डिवीजन नहीं करता। मतलब जैसे आपके पास ये वाला पार्ट 5164 डिवाइडेड बाय 1000, थैंक यू। एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, वैसे ही बताओ कैसे डिवाइड, थोड़ा सा सोचो क्या है। अगर आप थोड़ा सा डेसिमल्स में ध्यान दो, कई तरीके से हो सकते हैं ये क्वेश्चन, तो पहले आप डेसिमल्स वाला तरीका देखेंगे। और आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर निकालना। डिवाइड कर रहे हो आप, अब आप कैसे निकालोगे? अब आप अपनी बुक में देखो, पेज नंबर 92 पे हम लास्ट के डिजिट्स को हटा देंगे। क्वेश्चन में डिवाइजर जो है आपका वो 1000 की टर्म्स में है, तो हम लास्ट थ्री डिजिट्स को हटा देंगे। लास्ट थ्री डिजिट्स जो आपके डिविडेंड की है उनको हटा देंगे, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा 5। और रिमाइंडर के लिए जो बाकी तीन डिजिट बचिए ना, वो सिंपली हो गया, बस यही करना था। अब आपके पास क्या है, अगर आपके पास 4 डिजिट है तो 4 डिजिट से डालो, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट से डालो। जैसे फॉर एग्जांपल एच पार्ट है, उसमें 817567 डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितनी जीरोज है आपके पास? 5 जीरोज है ना, और यहाँ पे काम करो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है। इसका मतलब आप 5 डिजिट्स हटा दो, क्वेश्चन आ जाएगा 8 और रिमाइंडर आ जाएगा 17567। इसका लॉजिक क्या है, ये ट्रिक कैसे बनी है? अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे ना 5164 को, तो 5 पे 5000 जाएगा, क्वेश्चन आ गया, उसके बाद क्या वो रिमाइंडर आ गया, क्लियर? सो विद दिस चैप्टर नंबर 3 दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड्स हियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन एंजॉय लर्निंग, एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इज गोइंग टू बी मच इंटरेस्टिंग। थैंक यू।